नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में ई वाहन को प्रमोट करने के लिए जल्द ही बनेगी नई नीति। बिहार में रैयतों को डिजिटाइज्ड अधिकार अभिलेख देने की तैयारी। बीपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का स्केड्यूल। आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक बीते दिन आयोजित की गई। बैठक में कुल मिलाकर 4 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 32 पद के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। पश्चिम चंपारण के बघा वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए भवन निर्माण हेतु 72,82,49,000 रूपये की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन योग केंद्र शास्त्री नगर में बिहार स्कूल ऑफ योग गंगा दर्शन फोर्ट मुंगेरिया उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा निशुल्क योग केंद्र और योग्य पाठ्यक्रम के संचालन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण युक्त चावल आपूर्ति करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। बिहार में ई वाहन को प्रमोट करने के लिए जल्द ही बनेगी नई नीति। बिहार में ई वाहन को प्रमोट करने का काम अब नई नीति के अनुसार होने वाला है। इसके तहत ही आने वाले समय में बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर राज्य सरकार नई नीति बनाने पर सोच विचार कर रही है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू की माने तो इलेक्ट्रिक वाहन के आने से प्रदूषण कम होगी, यही सोचकर सरकार इस वाहन को प्रमोट करने में भी लग गई है। इस बाबत उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित कई मंत्री इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, जिससे बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर कम रहे। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विनीत कुमार की। विनीत कुमार का जन्म 22 फरवरी 1957 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। विनीत कुमार एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अनुभवी अभिनेता को हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषा की फिल्मों और टेलीविजन में उनके कामों के लिए जाना जाता है। उन्हें मसान, द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्स, ये दिल, सोच और शूल जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनके हॉलीवुड असाइनमेंट में लीन कॉलिंस के साथ रिटर्न टू राजापुर, भोपाल, मार्टिन शीन और मिसा बाटन के साथ बारिश के लिए प्रार्थना, उन्होंने कई तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें तेलुगु फिल्म विक्रमार कुडू में उनके काम के लिए भी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। आयुर्वेद के सभी 14 विषयों में अब होगी पीजी की पढ़ाई। राजधानी पटना के कदम कुआं स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को 6 नए विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मिल गई है। आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली ने कॉलेज को यह अनुमति बीते दिन ही जारी कर दी है। इतना ही नहीं, कॉलेज को इससे जुड़ा पत्र भी मिल चुका है, जिसके बाद ही अब 2021-22 सत्र में इन 6 विषयों को 37 सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। कॉलेज में पूर्व में 8 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती थी, अब 6 नए विषय में पढ़ाई होने के बाद यह आयुर्वेदिक कॉलेज राज्य का पहला ऐसा कॉलेज होगा जहां आयुर्वेद के सभी 14 विषयों में पीजी की पढ़ाई होने लगेगी। बिहार में रैयतों को डिजिटाइज्ड अधिकार अभिलेख देने की तैयारी। बिहार में रैयतों को डिजिटाइज्ड अधिकार अभिलेख देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार अब इसको लेकर नई शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तारीख भी तय कर दी, जिसके तहत 1 मार्च 2022 से बिहार के सभी 534 अंचलों में आम लोगों को डिजिटाइज्ड जमाबंदी की डिजिटल साइंड प्रति मिलने लगेगी। इसके पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तैयारियों में जुट गया है। 3 फरवरी को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री रामसूरत रॉय ने इसकी सेवा नहीं शुरू होने पर नाराजगी जताई थी, साथ ही इसे जल्द से जल्द बिहार के रैयतों को उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया था। अब तक की बात करें तो बिहार में कुल 3.77 करोड़ जमाबंदियां हैं, जिन्हें विशेष अभियान चलाकर डिजिटाइज्ड और ऑनलाइन कराया जा चुका है। खनिज विकास निगम NMDC ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने वर्कमैन ट्रेनी के कुल मिलाकर 200 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें फील्ड अटेंडेंट, रखरखाव फिटिंग, वेल्डिंग, मोटर मशीनिस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, MCO, HEM, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ब्लास्टर, QCA तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 8वीं, मैट्रिक, ITI, वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, ब्लास्टर, माइनिंग मेट
प्राथमिक चिकित्सा, ब्लास्टिंग ऑपरेशन या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक रसायन विज्ञान, भू विज्ञान में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। होगा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, इस दिन से चलेगा सदस्यता अभियान। आगामी 10 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव भी पटना आ गए हैं। वहीं अब राजद आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने की मुहिम में नजर आने वाला है। यही कारण है कि 11 फरवरी से सदस्यता अभियान चलेगा, जिसके बाद बूथ स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर के चुनाव होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर महीने में होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 11 अक्टूबर को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभावित है। राजद प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन की माने तो आगामी बैठक की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव समेत अन्य नेता लगातार कर रहे हैं। बिहार में पछुआ हवा का जारी है सितम, इसी दिन से राहत की कोई उम्मीद। फरवरी महीना आ चुका है, लेकिन ठंड का सितम जस का तस नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में पछुआ हवा का प्रवाह लगातार देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि लोगों को अभी और ज्यादा ठंड का आभास हो ही रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। हालांकि इन सबके बीच प्रदेश की हवा में अगले 2 दिनों में बदलाव आने की उम्मीद भी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में पछुआ का प्रवाह जारी है, अगले 2 दिनों में पूर्वा प्रदेश में दस्तक दे देगी। पूर्वा के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। पर्यटन विभाग अब बनाएगा डॉक्यूमेंट्री। बिहार का पर्यटन विभाग अब सभी पर्यटन स्थलों का डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला है। पर्यटन विभाग इसकी तैयारी में भी जुट गया है। विभाग की कोशिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री से देश विदेश के पर्यटकों को बिहार के पर्यटकीय केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्यूमेंट्री में वीडियो और ऑडियो दोनों रहेंगे। राज्य के सभी पर्यटन स्थल पर उसे दिखाया जाएगा। इससे पर्यटक स्थल पर आने जाने वाले लोगों को पता चल सकेगा कि बिहार में कहां और कितने स्थानों पर पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध है। विभाग दूसरे राज्यों से समन्वय स्थापित करने में जुट गया है। खबर के अनुसार ये डॉक्यूमेंट्री अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में छोटे किसानों को भी लाभ देगी सरकार। कृषि कानून और कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कई बदलाव करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत छोटे जोत के किसान भी बड़े जोत वाले किसानों की तरह अपनी फसल का अच्छे से अच्छा मूल्य ले सकेंगे, देश दुनिया में कहीं भी बेच सकेंगे। इसके लिए कृषि विभाग बिहार कृषि निर्यात नीति 2022 और FPO पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूर कराने में जुट गया है। कृषि सचिव ने इसको लेकर प्रारूप तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इससे सबसे अधिक उन किसानों का ध्यान रखने की योजना है जो कम भूमि और कम संसाधन वाले हैं। अब बिहार के जिले से गुजरेगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। अगर आप भी आने वाले समय में आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। IRCTC की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंडियन IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार की तरफ से बताया गया है कि इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन ने लोगों को दक्षिण भारत का दर्शन कराने का निर्णय लिया है। पर्यटकों की मांग पर गया कोडरमा होते हुए दक्षिण भारत दर्शन के लिए आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन चलाने की योजना है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी दर्शन कराएगी। योजना के अनुसार ये ट्रेन 2 मार्च 2022 को जयनगर से खुलेगी और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, गया रेलवे स्टेशन, कोडरमा बोकारो, हटिया जंक्शन होते हुए रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, मल्लिकार्जुन, जगन्नाथपुरी, सूर्य मंदिर, ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों का दर्शन कराते हुए 15 मार्च 2022 को वापस लौटेगी। बीटेट सीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बीते दिन सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 12 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दे दिया है। इस दौरान संजय कुमार ने सभी जिलों को जारी निर्देश में कहा कि वो किसी भी हाल में चयनित तारीख की शाम तक चयनित अभ्यर्थियों के सीटेट और बीटेट सर्टिफिकेट जांच की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दे। शिक्षा विभाग 14 फरवरी को इसकी समीक्षा करेगा। आपको बता दें कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। उनके लिए पहले ये शर्त लगाई गई थी कि अगर सभी सर्टिफिकेट सही होंगे तभी उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन विभाग को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब नए तरह की शुरुआत की जा रही है। एक बार फिर से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री का जनता दरबार।
कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण ही सीएम नीतीश के जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद ही अब एक बार फिर से इसको शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 14 फरवरी से एक बार फिर से जनता दरबार को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही समाज सुधार अभियान की शुरुआत भी हो सकती है। उम्मीद है कि इसी महीने से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के मद्देनजर बीते दिनों से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही सभी राजनीतिक कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। अब विदेशों में काम करने वाले बिहार के मजदूरों के लिए बनाई जा रही है योजना। बिहार के सभी श्रमिक और मजदूर जो विदेशों में काम करते हैं उनके लिए बिहार में खास योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार सरकार संसाधन विभाग के रोड मैप पर चर्चा कर रही है, समुद्र पार योजना की प्लानिंग भी कर रही है। बिहार के मजदूर जब विदेशों में काम करते हैं कई बार गलत एजेंसी के माध्यम से उनका प्लेसमेंट हो जाता है। बिहार से बड़ी रकम बोलकर विदेश में ले जाया जाता है, लेकिन वहां से ले जाकर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता और उनको रकम भी कम दी जाती है, साथ ही साथ वापसी भी उनकी नहीं करवाई जाती। इसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने आगे कहा कि समुद्र पार योजना के तहत एक नोडल एजेंसी बहाल जरूर की जाएगी, वहीं नोडल एजेंसी के माध्यम से विदेश में प्लेसमेंट होगा। जिस देश से वो आएंगे उस देश की कानून और व्यवस्था के बारे में हम लोग ट्रेनिंग भी जरूर देंगे। पुलिस मुख्यालय की बदलेगी रंगत। बिहार पुलिस मुख्यालय की रंगत जल्द ही बदलने वाली है। सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में जल्द ही सरकारी कैंटीन खोलने वाला है। यहां पुलिस अफसरों और कर्मियों को खान पान की सुविधा मिलेगी। सरकारी कैंटीन के लिए गृह विभाग जल्द ही श्रम संसाधन विभाग के साथ बैठक करेगा। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी विमर्श होगा। गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस मुख्यालय के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई है। अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने स्थल चयन और अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया। बीपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का स्केड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का स्केड्यूल बीते दिन जारी कर दिया है, जो कि सभी अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी इंटरव्यू कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसका आयोजन 22 फरवरी 2022 से 2 अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। जारी स्केड्यूल के अनुसार इंटरव्यू का आयोजन दो पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू आयोजित होगी, वहीं दूसरी पाली में 2:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार के 73 थानों के पास अपनी जमीन नहीं। बिहार में अभी भी 73 थानों के पास अपनी जमीन नहीं है। इसके अलावा 23 थाने दूसरे विभाग की जमीन पर चल रहे हैं। हालांकि बिहार के कई थाने जो जर्जर स्थिति में चल रहे थे उनको नए भवनों में शिफ्ट किया गया है। इसको लेकर ही एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ थानों पर भवन निर्माण विभाग द्वारा पुलिस थाने बनने का काम शुरू हो गया है और कुछ थाने अभी भी प्रक्रियाधीन है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार पिछले 6 महीने में करीब 100 थानों के लिए जमीन चिन्हित की गई है। बिहार में थानों का आधुनिकीकरण के लिए कुछ स्तर तक ये काम पूरा भी हो चुका है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार बिहार के कुछ थाने ऐसे हैं जो दूसरे विभाग की जमीन या स्थल पर चल रहे हैं। बिहार के 11 ब्लॉक में नए भवन का होगा निर्माण। बिहार के 11 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर भवन निर्माण विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग को पत्र भी जारी कर दिया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 11 प्रखंडों में 20 करोड़ की लागत से प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर तकनीकी अनुमोदन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञात हो जिन 11 प्रखंडों में भवन निर्माण होना है उसमें ओबरा, नवीनगर, बेगूसराय का श्याम हो अकाहा, कुरहा, भभुआ जिले का रामपुर, लखीसराय का पिपरिया, मोहनपुर, मुंगेर का बरियारपुर, नालंदा का बिंद, गया का फतेहपुर और परैया, नवादा का हिसुआ और नवादा जिले का नरहट प्रखंड शामिल है। मोदी को संसद में याद आया बिहार के नेता सीताराम केसरी का अपमान। बीते दिन संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार का घेराव तो किया ही, साथ ही इस दौरान उन्हें बिहार के नेता सीताराम केसरी भी याद आए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीताराम केसरी बिहार के पिछड़े वर्ग से थे और 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब पार्टी वेबसाइट में पूर्व अध्यक्षों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। दरअसल राजीव गांधी के निधन के बाद पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर कुछ सालों बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और प्रणब मुखर्जी ने पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी को पद संभालने का प्रस्ताव पेश किया। इसी दिन औपचारिक रूप से अध्यक्ष की कुर्सी सोनिया गांधी को दे दी गई और आनन फानन में केसरी के नेम प्लेट हटा दी गई और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया।
उसके बाद यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी। बिहार के सभी थानों में महिला दरोगा की तैनाती में लगेगा अभी लंबा समय। भले ही बिहार सरकार ने बिहार के सभी थानों में महिला दरोगा की तैनाती करने की बात कही हो, लेकिन वास्तविक में स्थिति कुछ और है। जहां एक तरफ पुलिस महकमा ने राज्य के सभी 1067 थानों और ओपी मिलाकर करीब 1300 थाना ओपी में महिला दरोगा और थानेदार के तैनाती की पहल तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक थाना एवं ओपी में कम से कम एक महिला दरोगा या थानेदार को तैनात करने में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि महिला पदाधिकारियों की वर्तमान समय में अनुपात में कमी है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी करीब 800 महिला दरोगा एवं सार्जेंट की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब इन्हें फील्ड प्रशिक्षण के तौर पर तैनाती की कवायद शुरू हो गई है। इन्हें थानों में पूरी जिम्मेदारी के साथ बतौर दरोगा के तौर पर काम करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। 24 सीटों पर अकेले उतरेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद से शुरू हुए कांग्रेस और राजद के मनमुटाव पर अभी पूर्ण विराम लगता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भी पार्टी की ठीक वैसी ही योजना दिखाई दे रही है। हालांकि राजद की तरफ से काफी समय पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि पार्टी किसी भी हाल में महागठबंधन के साथ नहीं उतरेगी, बल्कि पार्टी अकेले ही मोर्चा संभालने वाली है। लेकिन कांग्रेस को अभी भी उम्मीद थी कि राजद की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस आगामी विधान परिषद के चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरने वाली है। इस पर ही चर्चा के लिए कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़ भी पटना पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर बैठक भी हुई, वहीं इस पर निर्णय लिया गया है। 2 साल में बिहार में युवाओं को मिली 2,54,000 नौकरियां। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसको लेकर वो जल्द ही एक यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसी बीच अब राज्य सरकार की तरफ से रोजगार के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा किया गया, जिससे यह साफ हो गया है कि सूबे में करीब 2.5 लाख लोगों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार मिले हैं। श्रम संसाधन विभाग ने इसका दावा किया है। विभाग ये दावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से मिले डेटा के आधार पर कर रही है। जारी डेटा के अनुसार पिछले 2 साल की बात करें तो बिहार में 2,54,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये आंकड़ा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर है। विभाग का मानना है कि जहां एक तरफ दूसरे राज्यों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लेकिन बिहार योग्य युवाओं को रोजगार देने में कामयाब रहा है। आवास योजना के लाभुकों को पहली किश्त मिलेगी इसी महीने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही लाभुकों को पहली किश्त मिलने वाली है। उम्मीद है कि बिहार के 11,49,000 नए लाभुकों को इसी महीने पहली किश्त दी जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसके बाद ही विभाग ने सभी जिलों को इस बाबत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लाभुकों को कैंप लगाकर पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग ने पहली किस्त का भुगतान जनवरी में ही करने की योजना बनाई थी, पर कोरोना संक्रमण को लेकर लागू पाबंदियों, ग्राम सभा के आयोजन पर रोक आदि के कारण कई कार्य लंबित रह गए। आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर सभी क्रिकेट फैंस भी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज का मैच दोनों ही टीम के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जिसके तहत ही जहां आज के मैच को भारतीय टीम जीतने के साथ ही सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, वहीं वेस्ट इंडीज जीत के साथ खाता खोलने की कोशिश में नजर आएगी। वहीं आज के लिए भारतीय टीम भी तैयार नजर आ रही है। उम्मीद है कि टीम रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज के साथ उतरेगी। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि शिखर धवन और श्रेयस अय्यर कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके बाद इनके भी टीम में शामिल होने की संभावना अब बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर को फिल्म एलिजाबेथ 9 फरवरी 1999 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2009 को ताज और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का 1993 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल रॉय का 1968 में जन्म हुआ। भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर 9 फरवरी 2010 को अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई थी। 1984 में भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन हुआ। 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर का निधन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, लवकुश
पिया, मनीष मोहरा, अमन सिंह, गौतम कुमार, राजीव कुमार, मनीष कुमार, नुन्नू कुमार, रंजन यादव, श्वेता रॉय प्रदीप, नीतीश कुमार, गजेंद्र सिंह, रामबाबू कुमार, नीतीश सिंह, विकास कुमार सिंह, छोटू कुमार, राकेश कुमार, सूरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे वनडे में क्या भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।